कोटा में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को रोकने को लेकर प्रशासन उदासीन है, जिसके चलते हर साल शासकीय जमीन अतिक्रमण की भेंट चढ़ रही। इसके बावजूद भी विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। नगर पंचायत कोटा के कई वार्डों में सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के भवन निर्माण और टीन शेड की दुकानें लगी हुई हैं, जिसकी जानकारी नगर पालिका अधिकारी को भी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं कर रहे, जिसके चलते अवैध कब्जाधारी सरकारी जमीन पर बेखौफ होकर अतिक्रमण कर रहे हैं और सरकारों को हर साल लाखों के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पंचायत जो अधिकारी हैं सीएमओ, इनका हालत तो सुस्त है, जैसे इनको एक कोरोना का बीमारी हो गया है। इस डर से ये कहीं पास कोई कार्रवाई नहीं करती, और ये नोटिस का जो सिलसिला है एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिकता है, जिसको ये कड़े तरीके से पालन नहीं करते। जल संसाधन विभाग का जो नाला, नाला के ऊपर भी कुछ लोग के द्वारा वहाँ पे भी भवन का निर्माण कर दिया गया। पैसा दिया ये सिंचाई विभाग जो है, जो नहर उसमें निकासी हुआ है, उस पर भी लोग अवैध रूप से और पूरे रोड के ऊपर में आके अवैध रूप से जो बेजा कब्जा कर रहे हैं, ये बहुत शर्म का विषय है और दुर्भाग्यवश है कोटा नगर के लिए। यहाँ के पब्लिक को ये समझना चाहिए कि बेजा कब्जा करने से हम लोगों को ही दिक्कत बढ़ना है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे कोटा में बेजा कब्जा बहुत बढ़ गया है, जगह जगह बेजा कब्जा और बढ़ाया जा रहा है, इससे एक्सीडेंट होने की संभावना है और हो भी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर पंचायत के अधिकारीगण जो हैं, उनको इस पे पहल करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए कि आगे कुछ ऐसा दुर्घटना होने की जो शंका है वो ना बनी रहे।